हेलो एवरीवन, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर जो कि बहुत ही पॉपुलर है, हम चाहे बैंक के अंदर देखें, मींस जितने भी बैंकर्स होते हैं वो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। रेलवे स्टेशन, जब हम टिकट बुक करने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि रेलवे स्टेशन पर जो एम्प्लॉई है वो टिकट बुक करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं। मीन्स कोई भी ऑफिस ले लो, ऑलमोस्ट हर जगह पे कंप्यूटर का ही यूज़ किया जाता है। तो आखिर कंप्यूटर की ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से कंप्यूटर इतना पॉपुलर है? तो आज उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को हम इस एपिसोड के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आता है स्पीड। स्पीड बोल लो या फिर हाई स्पीड बोल लो, सिंपल सा मैं टास्क यहाँ पे लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पे सर्च करना है एक मूवी। मेरे कंप्यूटर के अंदर 1000 मूवी रखी हुई है और मुझे सर्च करना है मूवी क्रिश। जस्ट मैं क्या करूँगा, सर्च पे जाके क्रिश टाइप कर दूँगा, वो मूवी सर्च होके हमारे सामने आ जाएगी। हम वन मोर एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मुझे नोटबुक के अंदर किसी टॉपिक को सर्च करना है हमारी कॉपी के अंदर। तो मुझे नोटबुक में कॉपी को सर्च करने में टाइम लग जाएगा, मुझे पेजेस को टर्न करना पड़ेगा। अगर मैं उसी टॉपिक को कंप्यूटर के अंदर सर्च करता हूँ तो वो टॉपिक मोर इजीली मिल जाएगा। यही से हम लोग कंप्यूटर की स्पीड का पता कर सकते हैं कि कंप्यूटर हर कैलकुलेशन को कुछ ही सेकेंड्स के अंदर ख़त्म कर देता है। ये कंप्यूटर की स्पीड। हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कंप्यूटर परफॉर्म्स ऑपरेशंस एट हाई स्पीड। नेक्स्ट आता है एक्यूरेसी, मीन्स नो चांसेस ऑफ एरर। सिंपल हम यहाँ पर बोल सकते हैं 100% एक्यूरेसी। तो फिर कंप्यूटर में कभी मिस्टेक नहीं हो सकती क्या? कंप्यूटर में मिस्टेक हो सकती है इफ ह्यूमन पुट या ह्यूमन गिव रॉन्ग इनपुट, देन ओनली कंप्यूटर कैन प्रोड्यूस रॉन्ग आउटपुट, अदरवाइज कंप्यूटर्स आर 100% एक्यूरेट। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर्स क्या है? एक मशीन। हम चाहे तो 1000 GB की स्पेस कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं, हम चाहे तो 10000 GB की स्पेस कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं। यह रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि हमें कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी करना है। यानी हमारे पास में लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है, हम जितना चाहे उतना डेटा कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। अब चाहे वो डेटा वीडियो के फॉर्म में हो, चाहे वो डेटा इमेजेस के फॉर्म में हो, चाहे वो डेटा डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में हो, हम कंप्यूटर के अंदर उसको स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिलीजेंस। डिलीजेंस मीन्स क्या? सिंपल, कंप्यूटर कैन वर्क कंटिन्यूसली, जिस तरीके से एक ह्यूमन कंटिन्यूसली काम कर सकता है ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर भी बिना थके कंटिन्यूस काम कर सकता है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? डिलीजेंस। नेक्स्ट है वर्सेटिलिटी। इट मींस सिंपल, अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म एनी टास्क एनी टाइम। एक काम खत्म नहीं हुआ कि दूसरा काम कंप्यूटर को दे दो, कंप्यूटर कर लेगा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? वर्सेटिलिटी। नेक्स्ट है नो इंटेलिजेंस। कंप्यूटर का खुद का आईक्यू नहीं होता है, कंप्यूटर वही काम करता है जिस काम के लिए उसे बनाया गया है। मींस कंप्यूटर कैन डू ओनली प्री डिफाइंड वर्क्स। फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज अ वीडियो प्लेयर, देन ओनली कंप्यूटर कैन प्ले वीडियो। मीन्स जिस काम के लिए कंप्यूटर को बनाया गया है कंप्यूटर वही काम कर सकता है। अपनी इंटेलिजेंसी अपना आईक्यू यूज़ नहीं करेगा कंप्यूटर, जैसा ह्यूमन बोलेगा वैसा ही काम करेगा। नेक्स्ट है डेटाबेस। कंप्यूटर यूजेस डेटाबेस टू स्टोर डेटा। अब डेटाबेस का एडवांटेज क्या है? व्हाट इज डेटाबेस? सबसे बड़ा एडवांटेज है टू प्रिवेंट रिडंडेंसी। भले कंप्यूटर के पास में लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है, अगर डेटा डुप्लीकेट होगा तो हमको डेटा को सर्च करने में उतनी ही प्रॉब्लम जाएगी,
और डुप्लीकेसी कंप्यूटर में प्रॉब्लम बढ़ाती है। तो सबसे बेटर थिंग क्या है कि कंप्यूटर के अंदर डेटाबेस का यूज़ किया जाए। डेटाबेस के पास फीचर होता है कि वो रिडंडेंसी ना होने दे। डेटाबेस के बाद पास फीचर होता है डेटा को सेलेक्ट करने का, डेटा को इंसर्ट करने का, डेटा को अपडेट करने का, डेटा को डिलीट करने का और भी बहुत कुछ। ये सब किसके पास होता है? डेटाबेस के पास। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है रेड्यूस कॉस्ट। कंप्यूटर्स इतने महंगे नहीं होते, लेकिन कब तक? जब तक क्या हम उनको इंस्टॉल नहीं कर ले। मेरे कहने का मीनिंग है ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन इट्स कॉस्टली। सिर्फ वन टाइम आपको कॉस्ट लेगा कंप्यूटर में, बट उसके बाद यदि हम लोग देखें तो कोई कॉस्ट नहीं। कंप्यूटर ओनली इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेगा, हमारा टाइम यूज़ करेगा कि कैसे कंप्यूटर पे हमको वर्क करवाना है। अदरवाइज कंप्यूटर कॉस्ट को कम करता है। ओके, सिंपल, वन कंप्यूटर कैन डू वर्क्स ऑफ मेनी पीपल। तो मेनी पीपल को दी जाने वाली सैलरी यहाँ पर बच जाती है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? कंप्यूटर्स रिड्यूस कॉस्ट। सो ओनली ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन इट्स कॉस्टली, अदरवाइज इट रिड्यूसेस कॉस्ट इन अदर टास्क। नेक्स्ट वन इज रिड्यूस स्पेस। नो नीड ऑफ पेपर्स, पेपर्स की जरूरत नहीं है। नो नीड ऑफ अदर एक्सेसरीज। सिर्फ एक चीज की जरूरत पड़ेगी, नीडेड कंप्यूटर एंड अ टेबल टू कीप दैट कंप्यूटर। इसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं है। इसका मीनिंग क्या कि जो स्पेस है ऑफिस की स्पेस कंप्यूटर की वजह से कम हो जाती है। नेक्स्ट वन इज ऑटोमेटिक। नो नीड टू वरी, जस्ट गिव टास्क टू द कंप्यूटर, इट विल कंप्लीट दैट टास्क ऑटोमेटिकली। मीन्स हमारा टाइम बच रहा है, एक बार काम दे तो कंप्यूटर अपना काम करता रहेगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। सो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस की है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि कोई कैरेक्टरिस्टिक छूट गई हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि रीडर्स को वो कैरेक्टरिस्टिक भी रीड करने को मिल जाए। एंड आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ डू कमेंट। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।